देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन इस पवित्र संकल्पना के निर्वाहन हेतु नेहरू युवा केंद्र संगठन मुंबई द्वारा अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी के द्वारा कलश में अपने कार्यालय की मिट्टी अर्पित कर असंख्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं सामाजिक कार्यकर्ता नेहरू युवा केंद्र मुंबई के स्वयं सेवक व निवासियों की गरिमामय उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। यह यात्रा उत्तर मुंबई के सभी विधानसभाओं में पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया गया। बोरीवली विधानसभा के विधायक सुनील राणे, दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी, चारको विधानसभा के विधायक योगेश सागर, कांदीवली पूर्व विधायक अतुल भातलकर, मागा थाने से विधान परिषद के विधायक प्रवीण दरेकर द्वारा अपने विधानसभा के क्षेत्र से एकत्रित मिट्टी को एक पवित्र कलश में अर्पित किया। इस कार्य का संचालन नेहरू युवा केंद्र मुंबई के संयोजक स्वयं सेवक वरुण श्रीकर, आशुतोष पांडे, विशाल भगत, मनीषा टेमकर, समाज सेवक धर्मेश जोशी के उपस्थिति में सुचारू रूप से किया गया। विश्व के सर्वात प्रख्यात व्यक्ति और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश यह एक कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि हर एक भारतवासी के दिल तक यह कार्यक्रम पहुंचे, इसके लिए पूरे देशवासी का आह्वान किया। और यह मिट्टी देश के विभिन्न कोनों से दिल्ली ले जाई जा रही है और यह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उन सभी वीरों की भावनाएं हैं, उन सभी वीर परिवार की भावना है जिन्होंने देश के लिए अपने प्यारों को आहुति दी। तो ऐसे सभी भावनाओं को हम आज यहाँ पे उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में और यहाँ पे मेरे साथ नेहरू युवा केंद्र से विशाल भगत जी, वरुण श्रीकर जी, मनीषा टेमकर जी, समाज सेवक धर्मेश जोशी जी उपस्थित हैं। माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम उत्तर मुंबई के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लिया जा रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से होगा और जो अमृत वाटिका दिल्ली में बनाई जा रही है उसमें उत्तर मुंबई का भी एक विशेष योगदान होगा। ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन सभी वीरों को मेरा नमन। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत।